वेलकम ऑन माय चैनल, मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा डीटीएस सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी को लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा एमआईबी और ट्राई ने जो निर्देश दिए हैं पोर्टेबिलिटी को लेकर, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों एमआईबी और ट्राई ने एमएसओ डीटीएच और केबल टीवी वालों को बोला है कि 6 महीने में आप सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी को शुरू करें। दोस्तों मैं बता दूं, डीटीएच सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी और केबल टीवी का पोर्टेबिलिटी होना लगभग ना के बराबर ही पॉसिबिलिटी लगता है, क्योंकि टेक्निकली ये चीज़ें पॉसिबल फिलहाल के सिनारियो में नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो डीटीएच के सेटअप बॉक्स जो होते हैं वो आपका केयू बैंड का सिग्नल एक्सेप्ट करता है, और आपका सेट केबल टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है वो आपका आरएफ सिग्नल एक्सेप्ट करता है बॉक्स को। इसके साथ साथ दोस्तों बता दो, दोनों का टेक्नोलॉजी अलग है। डीटीएच का जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे आप एक डिश लगा के सिग्नल लेके आप अपने सेटअप बॉक्स को सिग्नल देते हो, यहाँ पे एक जो सिग्नल आपको केबल टीवी के बॉक्स से जो सिग्नल मिलता है उसको पर्टिकुलर हेड एंड से डायरेक्टली कनेक्ट करके आपके घर तक लेके आया जाता है, जिसे आरएफ सिग्नल कहते हैं। तो टेक्निकली, और इसके अलावा दोस्तों जितने भी सेटअप बॉक्स होते हैं सभी सेटअप बॉक्स में नेटवर्क लॉक होते लगे होते हैं, सभी का जीयूआई डिफरेंट होता है, सभी का लोगो होता है, सभी के बॉक्स का वर्किंग ऑफ नेचर अलग हो सकता है। किसी को बैट वाइज सर्च हो सकता है, कोई आपका एसआईडी वाइज सर्च ले सकता है, कोई एलसीएन वाइज चैनल सर्च हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो है, डिफरेंट डिफरेंट हेड एंड का डिफरेंट डिफरेंट सेटअप बॉक्स का लॉजिक है, जिस वजह से अगर आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क अगर आप सिग्नल भी दोगे तो वहाँ पे पहले तो सिग्नल सर्च नहीं होगा करेंट टाइम में। अगर फ्यूचर में अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर देते हो उसके बाद अगर चैनल सर्च भी हो जाता है तो आपको जो पर्टिकुलर सेटअप बॉक्स का वीसी नंबर और सेटअप बॉक्स जो नंबर है वो दूसरे कैश में ऐड करना, एसएमएस में ऐड करना, क्योंकि हर कंपनी का एक जैसे ही आपका सर्वर जो बनता है वहाँ पे प्री डिफाइन होता है कि चैंगोंग है या आपका माईबॉक्स है या अली का है, सबका वीसी नंबर से और उसका वीसी आईडी का एक लेंथ सेट होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस का डिफरेंट डिफरेंट वीसी नंबर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं, और सभी कैश में एक होता है कैश आईडी होता है, जो कैश आईडी और साथ ही एक नेटवर्क आईडी होता है, वो नेटवर्क आईडी डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी नेटवर्क का। इन सभी चीज़ों को आप एक साथ मैच कर ही नहीं सकते हो, जिस वजह से टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप डीटीएच और केबल टीवी के बॉक्स को आपस में पोर्ट कर सके। ये कहना बहुत आसान है बट टेक्निकली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और इतना ओपन सोर्सेज नहीं है अभी तक डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे कि इतना रिलायबल भी नहीं है कि एक दूसरे का बस सॉफ्टवेयर अपडेट करा और वर्किंग ऑफ नेचर सेम हो जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी का जो ये केसेस है लगभग 5 साल से चलता आ रहा है, हर बार ये बातें आती है लेकिन ये धरा का धरा ही रह जाता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है इतना रिलायबल नहीं है कि पोर्टेबिलिटी ऑन हो सके। दूसरा जो दोस्तों है फाइनेंशियली की भी बात मैं करता हूँ, कि अगर मान लो कोई भी नेटवर्क का बॉक्स है, अभी के टाइम पे जो कंपटीशन की वजह से लोग अपने अपने बॉक्स सस्ते देते हैं, कोई 300 का देता है, कोई 500 का देता है बॉक्स, तो अगर जब पोर्टेबिलिटी मान लो ऑन भी हो जाएगा तो यहाँ पे बॉक्स लोग महंगे कर देंगे, और साथ ही उनको ये भी देखना होगा सभी वेंडरों का बॉक्स का रेट एक सेम रहेगा तभी ग्राहकों के हित में है, अदरवाइज़ नहीं होगा वहाँ पे भी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे डीटीएच के कोई भी प्रोवाइडर ये नहीं सोचेगा कि हमारा अगर सेटअप बॉक्स पोर्टेबिलिटी का अगर ऑप्शन आ भी जाता है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा ग्राहक दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट हो या केबल टीवी का सब्सक्राइबर दूसरे डीटीएच या केबल टीवी में शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में सब एक दूसरे के राइवल होते हैं, जिस वजह से भी पोर्टेबिलिटी को आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, जो लोग मेरे को बार बार पूछ रहे हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन सारी चीज़ों को एज पर ट्राई अगर लागू हो जाता है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है पोर्टेबिलिटी करना। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।